बिल्कुल आज और बोल। हाँ, मेरा नाम नीलम चौधरी है, सुप्रभ अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दूँ, अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी। और कब की थी? शायद 1775 में की थी। अलवर में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी हैं, और जैसे बाला किला है, उनको समझाओ उनको। बाला किला है, उसका निर्माण हसन खां मेवाती जी ने करवाया था, और उनके लिए अलवर बाला किला तो अलगू राय ने बनवाया था। मैं तो अलगू राय पढ़ा हुआ है। हसन खां मेवाती जी के लिए अलवर की जो स्टार्टिंग में एंटर करते हैं तो उसमें हसन खां सर्किल है, उसके ऊपर ही हसन खां मेवाती जी का और भरत ऋषि का पैनोरमा बनाया गया है। भरत ऋषि का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। हमने तो भाद्रपद के अंदर पढ़ा था, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को उनका मेला लगता है। जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं और सिली सिली जिले जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, उसी के पास में ही सिटी पैलेस होटल है जो फिलहाल हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। और अलवर से अलग करके खैरथल भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। भिवाड़ी को खैरथल तिजारा बनाया गया है, खैरथल तिजारा। भिवाड़ी को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहते हैं। और सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंधुवाल भी कहते हैं। और ये औद्योगिक क्षेत्र है नीमराणा अलवर ही है, निमराना नहीं है, कहाँ है निमराना? कोटपुतली बेरोड में याद, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे आ रहे हैं आप कोटपुतली बेरोड बताओगे? कोई भी एक राजा, माणा गुलाम का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 को। माणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह जी। और हल्दी घाटी के युद्ध को अमर फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था, और बदायूं ने गोगुंडा का युद्ध कहा था। और कर्नल जेम्स डॉट जी ने मेवाड़ की खरमोगन लिखा था, और वो उसके बाद देवेंद्रगढ़ हुआ था, उसको कर्नल जेम्स डॉट जी ने मेवाड़ का मेरा लिखा था। बस इतना ही माणा प्रताप के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, क्या है, कुंभलगढ़ के कटार की जोला कचहरी में उनका जन्म हुआ था। प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए 4 संधि प्रस्तावक कौन कौन थे? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, डोगरा। अच्छा ठीक है, बैठो बांध दी। पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम संजय कुमार बेरवा है, मैं दुदू जिले से मौजाबाद तहसील का हूँ। अरे आप दुदू जिले से? संजय कुमार बेरवा मतलब प्रेमचंद बेरवा दुदू से है? अंकल है? अरे तू बस बता, कुछ मत बता है? सही बता, सही बता, काका लगते हैं? दूर के काका या पास के काका? परिवार में ही है। तो अच्छे से बता, जो भी मन करे वो बता दे। और ये अंकल मिले ना आशू सर को बताना कि वो कुछ भी मुझे कहा कि सब कुछ बता दे। बहुत अच्छे हैं प्रेमचंद जी बेरवा, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, साथ में उप मुख्यमंत्री का जो कार्यभार मिला है वो उन्हीं को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिया कुमारी जी के साथ हैं उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, आप ऐसे साथ का मतलब वो। हाँ बताओ आप। अभी अच्छा में NH 45 है, 45 या 48? 48 तो पहले NH 8 थी जो राजस्थान में सबसे व्यस्त राजमार्ग था, अभी भी है। बाकी तू जो भी बताएगा वो सही कर देंगे, प्रेमचंद जी से कह देगा। ठीक है। और दूध में मौजाबाद तहसील में भाल सिंह का जन्म हुआ था, मौजाबाद भी किले में 1550 ईस्वी। हाँ, अभी भी एक किला वहाँ पे है, टूटा फूटा सर, मतलब देख रहा हूँ फोटो की सारा इसका। हाँ बिल्कुल, पत्थर पत्थर। ठीक है। और
दूधू में 52 चूल्हों की हवेली है, न्याय का चबूतरा है, और 500 वर्ष पुरानी गुफा है। किसकी है वो गुफा 500 वर्ष पुरानी? आप ऐसे कर लेंगे पता, तो पेंशन वाले अपने आप कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा दूधू विधानसभा से अभी डॉक्टर प्रेमचंद बेवा डिप्टी सी एम बने हैं, जो दूसरी बार विधायक बने थे, और दूधू को दूधू ऐसी ग्राम पंचायत है जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है, और 2023 में नगर पालिका भी बनी है। ये किसके कारण बनी थी? बावला नगर के। फिर भी वो हार गए क्या वहाँ पे? हार गए सर, 40,000 वोटों 40,000 वोटों से हार गए। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है बताओ, जीके के बारे में बताओ। इसके अलावा फागी में माधुराजपुरा का किला है। फागी माधुरा, माधुराजपुरा के किले में स्वयं जयसिंह का मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पोषण हुआ था। तो पाषण भी बोलेगा चलेगा, सरकार में है तू अभी। बता। इसके अलावा दादू दयाल जी की गुफा है। वो दादू दयाल जी का मंदिर जयपुर ग्रामीण में क्यों गिन रहे हैं, कारण क्या है? सर जयपुर ग्रामीण में क्यों है? तो सर दूधू में है, ये सब जयपुर ग्रामीण में कह रहे हैं। नारायणा की विधानसभा दूधू ही पड़ती है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अब किताबों में बदलना क्यों नहीं जा रहा है? बदल जाएगा। देख तू जिद मत, तूने पहले कहा कि फेपाना बढ़ा है, हमने माना तुम्हारा फेपाना बढ़ा है, पर नरेना अगर ये कह रहा है ना तो ये उसके अंदर ही है। 5 साल तक तो है, उसके बाद में पता नहीं। सर मुझे ऐसा पता है, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नारायण में गए थे। अच्छा, आप भी गए थे? इसके में पता है नारायणा दुदू में एक ही विधानसभा है केवल दुदू जिले में, और इसके अलावा सोलुम्बर में भी एक ही विधानसभा है। बहुत बढ़िया बात है, जिसमें केवल एक एक ही विधानसभा है सोलुम्बर और दुदू में। कोई एक राजा उसके बारे में बताओ कोई अच्छा। प्रेमचंद जी बेरवा के बारे में क्या, उनकी अच्छी है? प्रेमचंद जी बेरवा बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, उनमें भी होता है। अरे तो ब्रो, देखो और कुछ मत करो आप। सातवें मुख्यमंत्री बने, और ऐसे में बेरवा के पहले भी बनना था, बेरवा डिप्टी सीएम बन चुके। बिल्कुल बिल्कुल, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबड़ा, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी, और मेयर को भी मुख्यमंत्री याद है। बताओ इसके अलावा करंट वगैरह, करंट बताओ, कुछ भी बताओ। सोलन विधानसभा के बारे में बताओ। सोलन विधानसभा के चुनाव 25 दिसंबर को हुए थे, और 25 नवंबर को हुए थे, 3 दिसंबर को परिणाम आया था। सोल विधानसभा में मंत्रिमंडल बता दो। हाँ बता दो, जो मन करे वो बता, छूट तन। गृह विभाग तो बजरंग सर के पास में है। सर वो अंकल भजनलाल सर, दिया मैडम, दिया कुमारी जी के पास में महिला एवं बाल विकास, वित्त विभाग, और ये पर्यटन विभाग, ये कह रही मंजू बाजवा के पास है महिला वाला, चुप हो जाता हूँ। हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वो राज्य मंत्री और कैबिनेट दोनों का अंतर है। कैबिनेट में तो इन्हीं के पास है। आप कैबिनेट का बता रहे हो। इसके अलावा डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के पास में यूनानी चिकित्सा मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्री है, और बोलो मदन दिलावर के बारे में शिक्षा मंत्री है, और ये बाबा तो पंचायती राज मंत्री है। नहीं, आपके भी सड़क परिवहन मंत्री किसको बताया? प्रेम तो वो फास्ट टैग बना के दे देंगे क्रिकेट में, मेरे को कहीं पर भी जाऊँ। नहीं सर, हमारी 90 करोड़ पास करवा लिए अभी उन्होंने, जो ये बबू से मोजाबाद तक थ्री लेन हाईवे बढ़ेगी, मतलब अच्छा वो तुम्हारे पास में रहेगा टेंडर?
अटेंडेड तो उनके साथ, लेकिन वो हमारी डबल लाइन में जाएगी, अभी सिंगल लाइन है वो। अभी तुम सिंगल लाइन में थे, अब तुम डबल लाइन में चलोगे। तरक्की है यार, कोई एक अंकल मारो। पहले एक डोटू अंकल फेमस हुआ करते थे, जानते हो? हैं, डोटू अंकल के बारे में जानते हो? चलो बताओ फिर। और वैसे इसका खड़ा होने का तरीका बिल्कुल अंकल की तरह ही है, अंकल जी भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। एक राजा बताना था बता, और रानी बता दे तो, लोक देवी बता दे, लोक देवता बता दे, कोई भी एक तो बता। बता राजा मानसिंह की बात। राजा मानसिंह का जन्म 1550 में मौजाबाद में हुआ। इसके आगे बताना है। अकबर के मुख्य सेनापति थे, वो हल्दीघाटी के युद्ध में भी गए थे। और फिर फरजंद की उपाधि दी थी उन्होंने। फरजंद क्या होता है? बेटा। बेटा तो उसे सर ऑब्जेक्टिव आए तो सब कुछ कर देंगे। वैसे आ जा। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम देव मीणा, जयपुर ग्रामीण से। वो मैंने फॉर्म टेलीकॉम से लगाया, तो मैं आज आपको अनुसूची के बारे में बताना चाहूँगा। तो अनुसूची याद करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिले वगैरह तो सबने बताई दी और सबने पढ़ भी रखे नॉर्मल। बाकी अनुसूची बताने की कोशिश करता हूँ। अब कोई भी देश है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देश के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे कि देश में कौन कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, उसका भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अपन अनुसूची एक में भारत का मतलब राज्य हो गए, यूटी जो हो गए, वो इसका जो भी है वो हो गए, ठीक है, जो भी है वो। सर बोल लेगा सर पहली बार। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तो गलत बोलता, बता। दूसरी अनुसूची में जितने भी लोग, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन सब का जो भी भारत में लोग काम मतलब उच्च पदाधिकारी हैं, उनके सबके वेतन भत्तों का विवरण दे रखा है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। इसके बाद में तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है उसके अंदर तीन अक्षर मतलब तीसरी राष्ट्रपति बार है अनुसूची दो से क्या वेतन भत्ते वो शपथ है उसके अंदर तीसरी में शपथ है, वो शपथ है ना, तीन शपथ है वेतन भत्ते सारे उसी में। अरे एक मिनट रुक तो जाओगे यार, पहले बोल बात दो। तीस हो गया, एक बार रुक जाओ, पहला बोल बात बोलने दो, तो पहले बाद में बता देना जो भी गलती है। आप सब सबको थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट मतलब सर पढ़ाई में स्मार्ट कहने का मतलब। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है उसमें तीन अक्षर है, तो तीसरी में दे रखा है शपथ, जिसके अंदर शपथ में भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल, इन सबको छोड़ के सभी की शपथ का उल्लेख उसमें दे रखा है। इसके अंदर अपने राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख पढ़ते हैं आर्टिकल 60 में, और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख पढ़ते हैं अपन 69 में, और राज्यपाल का पढ़ते हैं 159 में, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं चौथी, तो चार लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर नहीं समझाना चाह रहा हूँ, चार लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें हो गया राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो गया। पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में SC ST का विवरण दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में चार राज्य हैं ATMM, जिसके अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मेघालय उनका दे रखा है। उसके बाद में सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची के अंदर संवर्ती सूची के बारे में बता रखा है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो उसके अंदर सातवीं में अनुसूची वो हो गई। उसके बाद में आठवीं अनुसूची है, उसके अंदर स्टार्ट में संविधान में 14 भाषाएं आई थी, उसके बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके अंदर 3 संशोधन किए गए थे, 91, 71 और 92। तो पहली में जोड़ा गया था सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और दूसरे वाले में जोड़ा 71वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद में जो 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली। उसके बाद में नवी अनुसूची में चलते हैं, नवी अनुसूची में भू सुधार कानूनों से संबंधित पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में वो किया गया था। उसके बाद में अपन चलते हैं 10वीं अनुसूची में, उसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल का कानून था, उसमें पहले था कि 1/3 से 10 से पहले दूसरी पार्टी में चले जाते हैं ना, तो उसको संविधान संशोधन वो दल बदल नहीं माना जाता था। अब इसके बाद में नया प्रावधान कर दिया, जिसके अंदर 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उसको संविधान संशोधन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, अगर उससे कम जाते हैं तो उसको वो दल बदल माना जाएगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11वीं अनुसूची में नगरीय निकाय,
संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके अलावा मैं थोड़ा सा करंट के मतलब विधानसभा वगैरह अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसके अंदर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी बने थे जो सांगानेर विधानसभा से जिन्होंने चुनाव लड़ा था पहली बार। और उसके अलावा वो अभी व्यक्तिगत 14वें और वैसे ओवरऑल 26वें मुख्यमंत्री बने थे। और उसके अलावा अभी इस वाले 16वीं विधानसभा में जो मतदान का प्रतिशत था वो था 75.45 जो कि पिछली वाली विधानसभा चुनाव हुए थे उससे 0.74% अधिक था। उसके अलावा अभी लेटेस्ट में जो भी अभी अपने कालीचरण सराफ जी हैं जो लगातार 8वीं बार सबसे उम्रदराज विधायक बने हैं और सर और कुछ भी हाँ तो बताए रख दो मतलब। अच्छा, अभी लेटेस्ट में जैसे नाटो संगठन है काफ़ी चर्चाओं में भी रह रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो नाटो का भी लेटेस्ट वहाँ सदस्य बना है, 32वां सदस्य बना है, स्वीडन बना है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो के जो महासचिव है जेंस स्टॉल्टनबर्ग है और 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। उसके अलावा 19 ऐसे खेल हुए हैं जो हम जो चीन में हुए हैं उसके अलावा 20 में होंगे वो जापान में होंगे। और इसके अलावा कोई भी एक राजा राजा वजह नहीं आते सर, यही बता दूंगा तो करंट यही बता दें करंट में अभी जो मुख्य भारत के मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो अपने भरतपुर के हैं हीरा लाल सामरिया जी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हीरा लाल सामरिया क्या हाँ अच्छा वो सर भी हाँ भी चल विधानसभा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ सर। अभी जो इस अपने राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग जी हैं और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी हैं और क्या था मंत्री वगैरह तो सर अच्छा प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर और जो क्या बोलते हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी मुख्य सचिव क्या अच्छा मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो कि 44वें नंबर के बने हैं अभी लेटेस्ट। और अभी भाई अपने क्या महानिदेशक पुलिस महानिदेशक यू आर साहू नहीं नहीं बहुत सॉरी हाँ DGP मैंने पुलिस महानिदेशक पूछा है यू आर साहू उत्कल रंजन साहू हाँ तो सही है तो यू आर साहू सर काफ़ी सारी चीज़ें याद है थोड़ी सी लेकिन रिकॉल नहीं होती है सर थोड़ा सा इंटरेस्ट। IPL का कौन सा संस्करण? IPL का अभी 17वां संस्करण चल रहा है और अभी वुमेन्स IPL का सेकंड संस्करण होता था जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता भी लेटेस्ट क्या स्मृति मंधाना कप्तान है कैप्टन पूछ रहे हैं कैप्टन पता है क्रिकेट खेल पता है इंटरेस्ट है आई खेला में तो और बता और तो सर कोई लोक देवता लोक देवी कोई मेला कोई त्योहार कोई मेल कोई दुर्ग कोई पॉलिटी के बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल अच्छे से बता दे मुख्यमंत्री बता दे अभी जैसे अभी आपने सर वो भी CM वगैरह बता दिए तो डिप्टी CM हो गए वो मुख्यमंत्री आर्टिकल बता 164 ये है 164(3) में ये दिया गया है उसके अंदर 4 है बस है वो है वो बता मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री आर्टिकल 163 से स्टार्ट होता है जिसमें पहले आर्टिकल 163 के अंदर राजस्थान में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मतलब राज्यपाल को सलाह देने मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। उसके अलावा आर्टिकल 164(1) इसके अंदर 4-5 सब आर्टिकल है जिसके अंदर 164(1) में एक राज्य का एक जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। 2 में मतलब मंत्रिपरिषद राज्यपाल को देने के लिए उत्तरदायी थोड़ा सा सर हाँ बता दे जो भी है और थोड़ा सा सर याद हल्का सा थोड़ा सा वो छोड़ा है बहुत बढ़िया बताया।